हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल माय पेट्स इन्फो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते हो, पसंद करते हो रैबिट्स की वीडियोस देखना रैबिट्स से रिलेटेड, तो आज की वीडियो भी रैबिट्स से रिलेटेड ही होने वाली है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है जो कि आप लोग मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोज में से एक है। आप लोगों की तरफ से जो रिक्वेस्ट मुझे आती है कि रैबिट्स हमारी हेल्दी है या फिर नहीं, हम लोग कैसे समझे। तो रैबिट्स को हेल्दी होने के लिए उसको हेल्दी डाइट चाहिए और जो डाइट आप लोग अपने रैबिट्स को दे रहे हो वो सही दे रहे हो, क्या उसको डाइजेशन करने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्या वो हेल्दी है या फिर नहीं, वो सब कुछ हम लोग एक चीज से समझ सकते हैं। तो वो क्या है आज मैं वो ही आप लोगों को दिखाऊंगी। रैबिट जो पॉटी करते हैं उसको भी देख के हम लोग इजीली समझ सकते हो, तो आप लोगों की रैबिट्स की पॉटी किस तरीके की है वो देख के आप समझ सकते हो आपकी रैबिट्स की जो आप लोग डाइट दे रहे हो वो सही दे रहे हो या फिर गलत। तो ज्यादा मैं बातें नहीं करूंगी, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, छत में चलते हुए आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी रैबिट से कंपेयर करके मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ ताकि आपकी रैबिट्स की पूप या फिर पोटी कैसी है वो आप लोगों को इजिली समझ में आ जाए। आई होप मेरी आज की वीडियो से आप लोगों को भी जरूर हेल्प मिलेंगे, आप लोगों की रैबिट्स की जो स्टमक है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही है या फिर नहीं, सही से सब कुछ हो पा रही है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और मेरी वीडियो पसंद है मेक श्योर लाइक कर देना और मेरे चैनल पर अगर न्यू हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और 40,000 सब्सक्राइबर्स आज मेरी कंप्लीट हुई है तो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुकी हूँ छत में, तो आज जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो है रैबिट की पुप्स। आप लोगों को कैसे पता चलेंगे आपके रैबिट्स की पुप्स हेल्दी है या फिर आपकी रैबिट जो खा रही है डाइट जो आप दे रहे हो उससे आपकी रैबिट डाइजेस्ट कर पा रही है या फिर नहीं। और आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा इतने सारे लीव्स में इन चार रैबिट्स को दिया है, ऐसा नहीं है। मेरी बनी के लिए और चेरी के लिए एक ही साथ इधर पे मैंने धोने के बाद ऐसे सुखाने के लिए रखती हूँ, तो उसी में से सारे बच्चे भी एक साथ खा रहे हैं और सिम्बा भी। बाय द वे गाइस, आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं तो देखिए आज मैं बहुत ही सिंपल वे में मैं बताऊंगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा कुछ परेशानी ना हो, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। जितना हम लोगों को नॉर्मली जानना ज़रूरी होती है कौन सा डायरिया है, कौन सा मोशन की तरह दिखने में है, कौन सा नॉर्मल पुप है, वो ही मैं दिखाऊंगी। तो चलिए, तो ये जो कुछ पुप्स आप लोगों को दिख रही है ना, ये छोटे बनीस की है पुप्स और ये देखिए हल्का मॉइस्चर है इसके अंदर, हल्की सी ग्लॉसी टाइप की आपको दिख रही है ना पुप, और उसके साथ साथ ये डार्किश ब्राउन कलर में या फिर डार्क कॉफ़ी कलर की तरह दिख रही है। तो ये आप समझ लेना बिल्कुल सही पुप है। और अगर आपकी रैबिट ज़्यादातर पैरेट्स वगैरह खाती है, हे वगैरह खाती है, तो भी इसे थोड़ी सी लाइट कलर में होंगे, अदरवाइज़ ऐसे ही नॉर्मली इंडिया के जो सारे रैबिट्स होते इसी तरीके की पुप्स हम लोगों को दिखने को मिलती है। और जो बड़े रैबिट्स होते हैं उसके साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं लेकिन राउंड शेप में होते हैं और हल्का मॉइस्चर होती है और हल्के हाथों से अगर आप प्रेस करेंगे ना ग्लव्स वगैरह पहन के, गोल बिल्कुल दिखने में होती बट हल्के हाथों से प्रेस करेंगे तो ईजिली वो टूट जाएंगे। तो आप समझ लेना आपकी रैबिट की जो भी आप डाइट दे रहे हो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रही है और अच्छे से आपकी रैबिट हेल्दी है, वो समझ लेना। लेकिन गाइस, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप लोग देख रहे हो आपके रैबिट्स की जो भी पुप्स है वो इस तरीके के दिखने में है या फिर इससे भी लिक्विडी या फिर लाइट कलर में है, बिल्कुल स्टिकी स्टिकी जैसे, तो आप लोग समझ जाना आप जो उसको खाने के लिए दे रहे हो वो डाइट बिल्कुल सही नहीं है। इमीडिएटली उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए एंड डाइट प्लान उसका चेंज कर दीजिए, अदरवाइज उसको डायरिया होके डायरिया होने की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस बात को आप लोग